तो नमस्कार, हम आपको बताने आ चुके हैं, आपको भिन्नों के भिन्नों को हल करने सिखाएंगे। आप कुछ इस तरह प्रकार की भिन्नें आ जाती हैं, तो आपको इस भिन्न में करने में कुछ दिक्कत जाती है, तो आज इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको, कैसे इनको हल कर सकते हैं, बिल्कुल पै सकते पूरे जीरो लेवल से बताएंगे आपको। देखना पूरा वीडियो बाद देखना, आपको भिन्न बन जाएगी। देखो, आपको एक ही वीडियो में पूरी भिन्न बता देंगे, जैसे भिन्न आप कर सकते हैं, ठीक है। कौन से भी भिन्नों, आपको उनके चिन्ह देखने, क्या क्या लगे हैं वैसा उनके करना है। जो चिन्ह लगा वो वैसा ही करेंगे उनके साथ, जैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। और बस चिन्ह देखत पहले चिन्ह देख चल रहे, और बस जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ काट देना। और काटना कैसा है कि अपन अंश को काटना हर्म से काटने, अंश को अंश वाले पदन को हर से काटने, और हर वाले पदन है अंश से काटने अपन, ठीक है। अंश तमा कहा ऊपर, तो अंश से काट भी अपन हर में, अंश से हर में नीचे के जो कटा थे जो गुणा में है, ये गुणा में लिखे सब एक एक पद का हो, सो अपन काट सके। अब जोड़ लिखो इसके, जोड़ के बाहर ई से जी नहीं काट सके, कैसे जो अलग पद है अलग भागा जी अलग भागा जी, कैसे इनमें गुणा लगे इधर गुणा होना ये अलग भागा, यहाँ से जी गुणा लगे, जहाँ से जहाँ तक गुणा लगे जी इनमें इकट्ठे जी एक ही से वही पद खुद होता है, तो इसमें अपन काट सकते हैं, क्योंकि जी इनके भाग होते हैं, इन्हीं के इकट्ठे जी गुणाई में लिखे, तो मतलब इन्हीं के है, तो इनसे इनकी काट सके थे अपन। लेकिन जो अलग से दूसरों का है बनू, तो वो में नहीं घुस सके थे अपन दूसरा लो, तो अपने अपन काट अपने 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 यहाँ से, और ना कि इनसे अपने इनसे ही वाले के अपन इन्हीं से काट भी, कैसे जो अलग पद है एक अलग पद जो है, इनमें दो पद हैं भिन्न को, कौन से एक ना इतना पूरा है एक इतने से ना है, ठीक है ना, ये भिन्न लिखी इतने भी भिन्न लिखी, तो ये आप जो देखने अपना कट कौन रहा है नहीं कट रहा है, और चन्ने जो कछु के सुबह अपन कर भी चन चन्ने ला रही, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा माइनस लगो इतना भी माइनस, माइनस माइनस तुम्हारा कट जाने से कहा हो जाना, प्लस माइनस माइनस और गुना कट भी से तो कहा जाना प्लस, ठीक है। चन्न की विशेष ध्यान देगा, माइनस माइनस को गुना कर भी से कहा जाना प्लस, ठीक है। तो क्या करें हम, इतना पहले प्लस लगा लें, माइनस माइनस का होगा गुना कर सो प्लस होगा, और इतने से दो दूनी चार गया, दो एक कम दो दूनी चार, ई में दो को भाग दिया हमने, ई में दो को भाग, ई में दो दो इन चार हो गया। अब तुम देखो दो जो का काट सका दो इतने से यानी गुण ई में लिखो दो एकम दो, और दो एकम दो जी काट सकत ना। अब जो हरा हर को अंश में तो भाग देगा, लेकिन अंश को अंश में ही दे सके, तुम काटते काट उचाते ई को ई में दे देते भाग भी नहीं जाते, वैसे भी कटा भी नहीं दे का नहीं काटत, इन्हें काट हो जाए आमने सामने अंश अंश से नहीं काटत, खुद को जहाँ कोई नहीं काटत, ठीक है। ध्यान रखना अपने आप को कोई नहीं मारता, ठीक है, चाहे जो कोई हो खुद का नहीं मारत, इसे हर को अंश में दे सके, हर को अंश को हर में दे सके, हर को अंश में काट सके भाग, काट को मतलब होता है भाग दे, वो यहाँ पर दो दो का भाग चला गया, ठीक है। इस सात एक काम और सात कोई में चला जो अपनो अंशा और नीचे हर सो हर में दे सके, इनमें तो दे सके, सात एकम सात और सात चको अट्ठाईस कट गया। अब जितना बचा है वो हम गुणा कर लेंगे, देखिए यहाँ पर पाँच था, इनको गुणा करेंगे, और हमने माइनस माइनस का पहले ही कर लिया, तो माइनस माइनस का हो गया था प्लस, पाँच एकम पाँच बचा, पाँच एकम पाँच, और इधर तो कुछ नहीं बचा ही नहीं, तो पाँच एकम पाँच एक को गुणा करते तो कारण तो पाँच आई, ठीक है। एक को कर भी एक को गुणा चार में कर भी चार, और चार चार के तभी कहा है गुणा करने अपने इनको इनमें, तो चार एकम चार हमने तो कहा जाना चार ही, ठीक है। अब पाँच गुणा चार यहाँ पर गुणा में ना भी एक एक बचे, तो उसे यहाँ पर कहा एक एक गुणा करा सकते या ना एक दिन हो चुका। अब यहाँ पर देखो अब जे बस रहेगा तुम्हारा, ठीक है, जे वाला पद रहेगा, तो यहाँ पर क्या करें, अगर तुम्हें दिक्कत जावे कि जो इधर कहाँ एक बटे चार आए थे, सो हमने एक बटे चार को इनको गुणा कर लियो, अगर दिक्कत जात हो तो ऐसा कर भी ऐसे निरान दो मैं चरान दो, ठीक है, ऐसी दिक्कत जावे उसमें बता रही हमें। अब आठ बटे पाँच है तो कितना चार दूनी, देखो ई में से कार भाग चल जाए, चार दूनी आठ माइनस के दो बच्चे होते हैं, अरे चार एकम चार बचो, चार एकम चार, चार दूनी आठ, अरे पाँच एकम पाँच से पाँच कट गए थे, क्या बचो एक इधर भी एक, तो इधर माइनस तो इधर प्लस, तो माइनस प्लस को गुणा कर बचो माइनस, और क्या बचो तो आठ बचे थे तुम्हारे बटे में एक बचो, तो और क्या बचो गुणे बचो तो का दो, हमें चिन्ह का पहले ही गुणा कर लिया, इतने बटे में एक बचो तो यहाँ पर गुणे इतने एक बचो तो नीचे तीन बचे थे, ठीक है।
अब इतने अब जो चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो अपने आप में प्लस होते हैं तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। इनके गुणा आमने सामने कर लो जी, 8 × 16, 16 × 16 तो यहाँ पर 16, 1 × 1 और 1 × 3 यहाँ पर गुणा कर लियो। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, इनकी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 LCM, 4 × 3 12, 3 देर गया तो यहाँ पर 5 × 3 करेंगे, 4 × 3 12, 3 देर जितने भाग गया उतने का हम इसमें ऊपर अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। अंश में गुणा करने के बाद और एक भाग इसमें देंगे, 3 × 4 12, 4 भी गया तो अंश में अपन 4 का गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर हो चुकी। और भिन्न करने में कोई कौन वो है, यहाँ पर देखो अपनी कितनी आ गई, 5 × 3 15 −16 × 64 / 12, तो यहाँ पर कितनी आई गई, तो 64 में से 15 घटो, 15 में से 4 गई कितनी बची, 9 5 में से 1 गई कितनी बची, 4 5 में से 1 गई, 4 बची −49। अब इसे काट भी सकते हैं, जैसे 7 नहीं कटना तो कोई काट भी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर कर दूँ आंसर, हो गया आपका, बस यहीं पर कर दो ना, बस इतने से ज़्यादा कटने ही नहीं, तो किससे काटोगे, नहीं कटने ना, तो बस यहीं से आंसर इतने कर देना है। और आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, अच्छा है। तो यहाँ पर हम आपको यहीं पर बात ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय राम जी की, लव यू।